वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो आज के हमारे बर्ड्स के सेटअप में बहुत सारे काम हैं और बहुत सारे नए नए चीज़ें भी करने हैं, क्योंकि हमारा जो बहुत बड़ा मतलब जो कॉलोनी बनने वाला था 3 फुट बाय 2 फुट वाले केज में कुछ कॉलोनी बनने वाला था, उसका काम आज से शुरू करना है। और कुछ ही दिनों के बाद हमारा जो बर्ड है वो भी आ जाएगा, पर वो तो सीक्रेट है। सो चैनल जो भी नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब से हमारे ब्लॉग्स कंटिन्यू आना शुरू हो जाएंगे। सो जल्दी से चलते हैं बर्ड्स के सेटअप में और जितने भी सारे काम है वो सारे कंप्लीट करते हैं, और फिर हमारे जो फिशेज के सेटअप में उनका भी मुझे आप लोगों को अपडेट देना है, और हमारा जो फिंच ब्रीड किया था उसका भी मुझे आप लोगों को अपडेट देना है कि उसका बच्चा कितना बड़ा हुआ और कितने सारे बेबीज अभी तक हैं इसके अंदर। तो सब कुछ आज की वीडियो में सब कुछ दूंगा। सो चैनल बने रहो, सो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। सो शुरू करो। सो ये रहा हमारा बर्ड का सेटअप, और ये रहा नीचे जहाँ पे हमारा डव का बच्चा रहता है। सो अभी इसको हम इस वाले केज में शिफ्ट कर देंगे, और ये पूरा एरिया साफ करने के बाद यहाँ पे नीचे सीमेंट डाल देंगे। सीमेंट इसके ऊपर डालने के बाद ही हमारे गिनी पिग्स को इसके अंदर रिलीज कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर गिनी पिग्स रहेंगे तो अच्छा भी रहेगा और इनको इतने बड़े केज की ज़रूरत भी नहीं होता। तो सुबह क्या करेंगे, इनको खोल दिया करेंगे, ये लोग यहाँ पर घूमेंगे फिर अपने केज के अंदर चले जाएँगे। सो अभी इसको निकलते हैं और फिर साफ करते हैं और फिर डालते हैं सीमेंट। सो हमारा पूरा सीमेंट अभी डल चुका है, पूरा अच्छे से मैंने 2 लेयर अच्छे से डाल दिया है, और ये पूरा अभी सूखने में करीब 1 दिन का पूरा वक्त लेगा। और गिनी पिग्स को भी मैंने अभी यहाँ पे रख दिया है जहाँ पे थे। सो अभी इसको मैं सूखने देता हूँ, सूखने देने के बाद हम फिर उसके बाद हमारे गिनी पिग्स को रिलीज़ करेंगे। सो ये हमारा नेक्स्ट डे, और हमारा जो डव है फीमेल वो अभी ब्रीडिंग पे आ चुकी है, वो अपने नेस्ट पे बैठ रही है। और ये जो था हमने कल जो सीमेंट डाला था ये भी पूरा अच्छे से सूख चुका है, और ये इधर रहे हमारे दोनों गिनी पिग्स, और देख सकते हो नीचे कितना ज़्यादा गंदगी हुआ है। सो इनको यहाँ पे कंफर्टेबल भी नहीं लग रहा, और ये हमारे पास जितने भी सारे ये है इसको क्या बोलते हैं पता नहीं इंग्लिश में, पर जो भी है इसको हम छोटा छोटा काट के इसके अंदर डाल देंगे और हमारे दोनों गिनी पिग्स को इसके अंदर छोड़ देंगे। सो मैंने अच्छे से पूरे सारे स्ट्रॉस को छोटे छोटे कट करके और इसको अच्छे से फैला दिया है, और यहाँ पे मैंने ज़्यादा रखा है क्योंकि हमारे गिनी पिग्स यहीं पे आके बैठेंगे। सो अभी इन दोनों को बाहर निकालते हैं और छोड़ते हैं इसके अंदर। सो ये वाला हमारा बड़ा वाला केज अभी खाली हो चुका है, और हमारे जो दोनों पिजन्स हैं अभी इस केज में आ जाएंगे। और पहले तो इस केज को मैं अच्छे से धोऊँगा और धूप में सुखाऊँगा, उसके बाद ही हमारे दोनों पिजन्स को हम इसके अंदर रिलीज़ करेंगे। और ये रहे बाकी सारे हमारे सारे के सारे फिंच, और आज आप लोगों को ये जो फिंच का जो बच्चा हैच हुआ था वो भी दिखाऊंगा, उसका भी अपडेट दूंगा। और ये रहे हमारे दोनों गिनी पिग्स अभी नए सेटअप में, और दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा हैप्पी, और दोनों को खाने के लिए भी दे चुका, और दोनों के दोनों ये स्ट्रॉ भी खा रहे, और इनको ये वाला स्ट्रॉ भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। सो अभी देखते हैं ये लोग इनका ये सेटअप इनको कैसा लगता है और कितने दिनों में ये लोग सेट हो जाते हैं और इसमें ब्रीड करते हैं या फिर नहीं करते। और हमारा डव का भी नेस्टिंग का काम चालू है, और हमारे जावा ने भी पूरा का पूरा नेस्टिंग बना लिया है, और फीमेल बार बार अंदर जा रही है और बैठ रही है, और मेल हमारा बाहर रह रहा है। और बहुत जल्द हमारे जावा का भी ब्रीड बहुत जल्द आने वाला है। और ये तो रहे बाकी सारे हमारे फिंच, और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, जो बारिश का जो ठंडा हवा चलता है उसके लिए हमारे पूरे सेटअप को हम पॉलीथीन से कवर कर देंगे, क्योंकि अगर ठंडा हवा ये जाते रहा तो हमारे फिंचेस को देख सकते हो तबीयत ख़राब हो जाएगा। सो मैंने अभी हमारे सारे बर्ड्स को खाना पानी सब कुछ दे दिया है, और वहाँ पे हमारे बजे सभी खाना खा रहे थे, और दोनों के दोनों अभी ब्रीड पे आ चुके हैं, और यहाँ पे भी हमारे जो 2 बजे से, और पता नहीं फीमेल क्यों मटकी पे नहीं जा रही, मेरे को जहाँ तक लग रहा है फीमेल में प्रॉब्लम है। सो बहुत जल्द मैं फ़ीमेल को एक्सचेंज करने वाला हूँ, पर वो तो पूरी की पूरी ब्रीडिंग पे आ चुकी है उसका, और हमारा मेल का भी जो कलर है वो भी पूरा डार्क हो चुका है। अब उसके जो बीक के ऊपर जो कलर होता है वो भी बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका है, और फीमेल का भी डार्क हुआ है, पर मैं दोनों को कभी भी मटकी के अंदर जाते हुए नहीं देखा। अगर कुछ दिन और देखेंगे, अगर ये मटकी के अंदर नहीं जाती तो इसको एक्सचेंज कराना पड़ेगा। और ये दोनों हमारे गिनी पिग्स अभी खाना खा रहे मज़े लेकर, और दोनों काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, ब्रीडिंग के पूरे लायक हो चुके हैं, पर अभी तक ये लोग ब्रीड नहीं किए। सो देखते हैं ये लोग कब दोनों कब तक ब्रीड करते हैं। और ये तो रहे हमारे सारे फिंच, और सबको मैंने अभी मेडिसिन भी दिया है। सो ये देखो हमारे दोनों जावा भी नहा चुके हैं, इसलिए मैं इनको कभी भी मेडिसिन वाला पानी इनके इसमें नहीं देता, दूसरे में देता हूँ, क्योंकि ये लोग कभी भी नहा लेते हैं, और ये लोग ऐसा बोले तो रोज़ ही नहाते हैं ये दोनों,
और मैंने जो बड़ा वाला केज है वो भी लेके जाके धूप में रखा है, अच्छे से उसको धो दिया है। और जिसका डर था वही हुआ कि एक ही बेबी बच पाया है। तीन बेबी हैच हुए थे पर दो बेबी का डेथ हो गया, और रीज़न क्या है पता नहीं, पर मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि ये दो जो रोज नहाते हैं, नहा के जो अपने बेबी के ऊपर जाके बैठते हैं, इसी वजह से उस बेबी का मतलब दोनों बेबीज़ का डेथ हो गया। और ये एक बेबी भी मैंने देखा, मतलब थोड़ा बहुत प्लकिंग हुआ है और भीगा हुआ है, पता नहीं क्या है, मुझे शायद तक लग रहा है वही एक ही रीज़न है। सो क्या करेंगे हम ना, हमारे जो फिंच का जो नेस्ट बॉक्स है वो भी पूरा अच्छे से चेंज कर देंगे, दूसरा नेस्टिंग मटेरियल देंगे, और इनका जो पानी का जो वो है वो भी छोटा कर देंगे, कप में कर देंगे, जैसे कि ये लोग नहा ना सके। तो ये जो हमारा बड़ा वाला केज है अब जो जिसमें हमारा एक कॉलोनी बनने वाला है, और कौन सा वर्ड आने वाला है वो तो सीक्रेट है। सो इसको अभी अच्छे से सेट करना है। और हम और ये जो हमारे दोनों बजिस के पेड़ हैं, और हमारी जो फीमेल है उसमें शायद तक कहीं तक गड़बड़ है, क्योंकि वो मटका चूज ही नहीं कर रही और मटके के अंदर जा ही नहीं रही। और उस दिन जो हम चेंज करके लाए थे फीमेल को, वो पूरी पूरी ब्रीडिंग पे आ चुकी है, और मैं इन दोनों से ब्रीड लेना चाहता हूँ, क्योंकि जो बच्चे आएंगे येलो आएंगे या तो फिर वाइट आएंगे या तो फिर येलो वाइट आएंगे, बहुत ही सुंदर पैर इन दोनों का है, और बच्चे भी आएंगे तो बहुत सुंदर आने वाला है। सो मुझे क्या करना है, इस फीमेल को एक्सचेंज करना है, इसके बदले हम लेके आएंगे ग्रीन और येलो में जो फीमेल आती है वो लेके आएंगे, क्योंकि अगर वो दो ब्रीड किए तो उनमें से जो बच्चा निकलेगा वो ग्रे में निकलेगा या तो फिर थोड़ा येलो में या फिर अलग ही कलर निकलने वाला है जहाँ तक मुझे पता चला है, और देखेंगे एक्सपेरिमेंट करके देंगे। तो आने देते हैं सारे बजिस का कलेक्शन उस शॉप में जहाँ से हम पहले बहुत टाइम से लेते आए हैं, सो उसके टाइम आएगा तो जाके इस फीमेल को हम एक्सचेंज करा देंगे। सो अभी ये क्या करना है, अभी इस केज को उतारना है यहाँ से, उतार के और हमारे जो बजिस है दोनों को इस केज से निकालना है, और उस वाले पैर को यहाँ पे छोड़ना है, और इसको भी अच्छे से सेट करना है, क्योंकि अगर ये कॉलोनी बनेगा तो एक अच्छे, और यहाँ गेट का भी काम करना है हमें, गेट भी ठीक से नहीं बना इसका, सो गेट का काम करना है, और इसको अच्छे से कहीं अच्छी जगह में सेट करना है, जिससे कि हमारे जो कॉलोनी बनेगा तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखे हमारे सारे बर्ड्स। और इसको अच्छे से सजाना भी है वुड्स से, सारे के छोटे छोटे वुड्स के पीसेस से अच्छे से सजाना है, कैल्शियम ब्लॉक्स लगाने, बहुत सारा काम करना है। सो इसको अभी अच्छे से मैं कहीं पर सेट कर देता हूँ, और हमारे जो दोनों बजीस है इनको निकाल के उस वाले एरिया में छोड़ देता हूँ, तीसरे वाले केज में, और उस दोनों को इस केज में छोड़ देता हूँ। सो पहले तो इसको उतार देते हैं यहाँ से। तो मैंने हमारे केज को यहाँ पे सेट किया अच्छे से, इस केज के ठीक ऊपर, तो ऐसा कुछ दिखेगा दूर से भी हमारा केज, और थोड़ा ऊपर भी रहेगा और दिखने में भी अच्छा दिखेगा, और साफ़ करने के लिए भी हमें आसानी होगा, और दिख तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लिया है यहाँ पे, और उसको डायरेक्ट धूप का मतलब सनरेज भी अच्छे से आएगा, सब कुछ अच्छे से आएगा, और अच्छे से यहाँ पे हैंग भी हो चुका है, ये देखो पूरा टाइट है। और बस हमें यहाँ पे कुछ देना होगा, अगर ये लोग गंदगी करें तो इस केज के ऊपर ना आए, तो यहाँ पे थोड़ा अच्छे से कवर दे देंगे बस, और वो लोग इतना ज़्यादा तो गंदगी नहीं करते जो बर्ड्स में लाने वाला हूँ, सो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगेगा। सो अभी क्या करते हैं, इस वाले केज को उठाते हैं जहाँ पे था पहले वहीं रखते हैं, और हमारे जो दोनों येलो और वाइट का पैर है उसको पकड़ के इसके अंदर छोड़ते हैं, फिर हम दोनों को निकाल के उसी जगह में रख देंगे। सो हमने इन दोनों को यहाँ पे छोड़ दिया, और वो दोनों वहाँ पे हैं, और दोनों अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं। सो इन दोनों को यहाँ पे रखते हैं, और देखते हैं यहाँ पे ब्रीड आता है कि नहीं, क्योंकि वहाँ का पॉड भी अच्छे से नहीं है, फिट नहीं है, सो इनके लिए यहाँ पे अच्छा होगा, और थोड़ी देर में ये लोग फ्री हो जाएंगे, अभी थोड़ा स्ट्रेस में है। और ये रहा हमारा डफ का पैर, और वो रहा जावा, और हमारा जावा भी ब्रीड पर आ चुका है, फीमेल बहुत देर से अंदर ही रहती है, अभी तो फ़िलहाल बाहर आई है, क्योंकि मैं बाहर आया मतलब यहाँ पे डिस्टर्बेंस कर रहा था, करके ये फीमेल बाहर आ गई। सो देखते हैं इन दोनों, ये लोग कब तक ब्रीड करते हैं, और शायद तब ब्रीड पता नहीं, कल चेक करेंगे इसमें अंडे आए हैं या फिर नहीं आए।
और बाकी तो रहा नीचे का, नीचे भी हमारे सारे ठीक है। और अभी हम इसको क्या करेंगे, ढक देंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा बहुत टाइम से लगातार बारिश ही हो रहा है और ठंडा हवा भी यहाँ पे चले जा रहा है, तो हमारे फिंचेस का तबीयत ख़राब हो सकता है। सो इसको हम पूरा अच्छे से ढक देंगे। और ये रहे हमारे दोनों गिनी पिग्स, जो कि आराम से सो रहे हैं अपने जगह पे। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगले ब्लॉग तक हमारा सारे सरप्राइजिंग सारे पेट्स बर्ड्स आ जाएंगे और हमारे सेटअप में नए नए चीज़ें भी आने वाले, बहुत सारे चीज़ें। सो मिलते हैं आप लोग अगले ब्लॉग में। सो अगले ब्लॉग तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।